राम 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 का। मैं एक्सेल डेवलपमेंट सर्विस राजगढ़ से आया हूँ। अच्छा, और मेरा नाम शिव नारायण गिलेला। अच्छा, और मैं जानना चाहूँगा कि आप भी आपका नाम पढ़ते बताओ। मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा। अच्छा। पिताजी का नाम श्री देवीलाल जी शर्मा, गांव का नाम ब्यावरा कला, तहसील हमारी कुंतीपुर। अच्छा। और जिला लगता है राजगढ़। हेलो दादा, अभी आप जो ये आलू लगा रहे हैं तो हमें कैसा लगा रहा है, एक बारे में हमें जानकारी दो। बिल्कुल दागा नहीं। अच्छा, तो जैसे आलू की जो रोपाई कर रहे हैं अभी आप खेत में, तो यानी में आप कई कई सामान की आवश्यकता पड़े? यानी में सबसे पहले तो खेत बिल्कुल साफ होना चाहिए। अच्छा, जैसे खरपतवार, कचरों, मतलब खेत साफ होना। बिल्कुल खेत साफ होने के बाद में कई कई सामान की आवश्यकता पड़े आप? सामान में एक तो ट्रैक्टर की जरूरत पड़ी है। हाँ, क्योंकि खेत है हकाई के लिए। हकाने के बाद फिर जो अपन सीडिल ला, आलू की सीडिल। हाँ, आलू डाल बाकी सीडिल लावे। हाँ, ऐसे दो तीन विधि है उनकी। हाँ, तो अब आसपास सीडिल उसका बैल के द्वारा, हल के द्वारा आने और दिया। अच्छी धुआं हला के खेत पे मुंह और धुआं है दादा भाई। आगे आगे हम तेल से गरेर काटना। तो और निकालो कई सामान चाहिए आप? आने में लगा आने में और आलू। बस यही सामान क्या? हाँ, आलू की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि अपने मार्केट में भाव भी अच्छा मिले और अच्छी अगर क्वालिटी रहे तो उत्पादन भी अच्छा रहे। तो जैसे ये जो आलू लगा रहे आप, हाँ, तो यानी में जैसे आपने 2 बीघा लगा रहे, हाँ, तो यानी में कतरी आलू की जरूरत पड़े, कहीं कहीं सामग्री मतलब कतरी कतरी चाहे? यानी 2 बीघा आलू में लगभग लगभग 5 थैली तो जिप्सम चाह। 5 थैली जिप्सम। हाँ। और 5 ही थैली रखोड़ियो। अच्छा, वो 2 बीघा को टारगेट बता रहे हो आप? अच्छा, 2 बीघा में डले जो 5 बीघा तो जिप्सम और 5 बीघा रखोड़ियो। 5 थैली रखोड़ियो। हाँ। 5 थैली जिप्सम। हाँ। और 2 थैली DAP मिक्सचर खाद यानी बोला। अच्छा, और पोटाश। पूरों फेंकने के बाद फिर अपन जो है कि आलू है रोप को चालू कर सकते। अच्छा, अच्छा भाव होना चाहिए खेत में, नमी बननी चाहिए। तो खेत में नमी बनावा के लिए कहीं पानी? हाँ, पानी देना पड़े नहीं पहला? अच्छा, पहला हमने अन्य खेत है। हाँ, क्यों? अच्छा, हाँक के बाद समान करियो पत्थर से और पानी छोड़ियो। हमें पानी आज से कम 10-12 रोज पहले छोड़ियो। अच्छा, अब पूर्ण रूप से खेत तैयार हो गयो, मतलब अब नमी मत ऐसी हो गया होगा। मैं अपन, हाँ, जो भी अपन दानों डाला वो हो गया। अच्छा, तो अब हमने खेत कंप्लीट होगा के बाद टोटल जो भी खाद डालना था वो दे दियो और अब यह हम जो है कि आलू की चौपाई चालू कर दी। अच्छा, तो यानी कि जो चौपाई है वह कैसा करो आप बताएगा? हम बिल्कुल बताएगा ना यार। अच्छा, हाँ, तो जो किसान दादा आप जो ये आलू लगा रहे हैं, हाँ, तो इनकी कहाँ की वैरायटी है, कहीं वैरायटी का है? काफ़ी वैरायटी मिल जा। अच्छा, पर ये सबसे बढ़िया क्वालिटी है सोना चिप्सी। अच्छा, ये सोना चिप्सी नाम की वैरायटी लगा रहे आप? एक तो गुलवा में सब्जी बनवा में भी बहुत जल्दी हो। अच्छा, चिप्स के लिए भी काम आ। अच्छा, हराल वराल के लिए तो सबसे अच्छा उत्पादन भी अच्छा होता। तो आने लिए आप ये सोना चिप्सी? तो सोना चिप्सी लगा रहे, आलू लगा रहे हैं मेरठ से बुलवाए हुए आलू। अच्छा, और अनी को लगभग लगभग हमें भाव मिली हो यहाँ आके 15.5 रुपये किलो पड़ी है। 15.5 रुपये किलो, 1 किलो आलू का 15.5 रुपये, मतलब 1,500 की क्विंटल। अच्छा, और 1 बीघा में 4.25 क्विंटल आलू लगे। 1 बीघा में 4.25। अब जो मैं 2 बीघा का आलू लगा रही हूँ, हाँ, तो हमें 8.5 क्विंटल आलू लेके आयो। अच्छा, 8.5 क्विंटल 2 बीघा में। हाँ, हाँ, तो दादा आप जो ये आलू लगाओ तो हमसे यहाँ पे कई लाभ है? कई है कि अगर मान लो अपना कुआ में पानी भी कम है। हाँ। और पानी तो निश्चित है कि कमी आ गई है यानी इलाका में अपने। हाँ। तो एक तो गेहूं से आधा पानी में उत्पादन हो जा। अच्छा, गेहूं में कम से कम 5 पानी देना पड़े। हाँ। एक बाद भी 10 या 12 क्विंटल प्रति बीघा से पैदा हो। हाँ।
और अन्न में अगर अपन ने तीन पानी भी अगर दे दिया हाँ। और ये मैंने जो बताया आप ये खाद दे दियो तो ये कम से कम 50 क्विंटल और अधिक से अधिक प्रति बीघा की उत्पादन से ही पैदा होगा। मतलब 50 से 80 बीघा 80 क्विंटल 50 से 80 के बीच में उनको टारगेट है पैदा होगा एक बीघा। और अगर मान लो 5 या 7 रुपए किलो भी बके तो गेहूं से कम 4 गुनी कीमत अपन ज़्यादा मिले लिए अधिक फायदे है गेहूँ की बनस्पत आलू गोबर कोई मुद्दों। हाँ दादा जैसा आपने जो बुआई करी और में ये बहुत सा आलू ऊपर ही रह गया हाँ। जैसा ये है ये आलू हाँ हाँ। तो अणी ये दाबा के लिए आप कहीं करो अब जैसे ये ऊपर रह गया नहीं हाँ। अणी के बीच में से मुँह वापस नीचे से ये पलटो लेके आऊंगा नहीं हल्को हाँ। तो ये बीच में निकालूंगा ये पलटो मतलब वो जो वापस घुमा के लाएगा बेल की हाँ। गिर जाएगी हाँ। और अनंग भी गिर जाएगी तो ऐसा कहीं फायदा तो ये मिट्टी में दब गया नहीं आलू हाँ। और ये बीच में पानी की नाली बन गई। अच्छा मतलब यहाँ पानी भी निकल सकता यहाँ पानी निकलेगा नहीं हाँ। आलू के पास पानी की निकाल कोई जरूरत ढक भी जाएगा ये फायदा है। जैसा आपने ये बुआई करी हाँ। या तो मान लो आपने पानी रेल के हाँ। और कर दी तो ये जो पानी रेली उन्हें कितने दिन बाद लगाया आपने? अबे पानी फर्स्ट में रेल बा के 10 दिन बाद ये लगा दिया। अच्छा और अब जैसा ये आप ये सब कर दोगा यानी पे यानी का ही पार्ट वार्ट भी बना दोगा हाँ। उन्हीं के बाद में पानी कब देना पड़ेगा आप? 20 से 25 दिन के बीच में। अच्छा तो कितने पानी की जरूरत पड़े? कुल 3 पानी की जरूरत। तो तीसरा पानी कब दोगा? तीसरा पानी देंगे हम 50 दिन के बाद। अच्छा तो तीसरा पानी के कितने दिन बाद लगभग फसल तैयार हो जाए पक के आए? ये 70 से 80 दिन के बीच में फसल पक जाए। मतलब ये जो आलू है अपना 70-80 दिन में कंप्लीट हो जाए? 70 दिन से 80 दिन के बीच की अवधि में ये आलू पक के तैयार हो जाए। अच्छा भले यहाँ अपना निकाल के बाजार मार्केट में बेच सकते हैं। हाँ तो किसान दादा आपने जो ये आलू लगाया और अन्य आलू की खेती बाकी जो दूसरा किसान भाई ये भी करे अन्य के लिए आप उन्हें कई संदेश दे वो चाहो कई प्रेरणा दे वो चाहो कि भी आलू लगा अधिक से अधिक और अच्छा उत्पादन ले। अपना जो बाकी का किसान भाई है उन्हें भी अधिक से अधिक मार्गदर्शन दे वो चाहूँगा कि भी आलू लगा गेहूँ चना की बनिस्बत और ज़्यादा पैदा करे और पैदावार अगर बढ़ा पैसा मिलेगा उन्हें फायदा होगा और गेहूँ चना की उत्पादन आलू की उत्पादन से बहुत कम है और अनिल ये गेहूँ चना जितना भी हो सके कम बाओ और आलू अधिक बाओ अच्छी मेहनत करो उसे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और ज़्यादा फायदा होगा। तो प्रत्येक किसान भाई है मुँह ये गेहूँ के दादा और कतराई भी पर आलू तो लगाओ ही लगाओ जितना लाग जा उतना अधिक से अधिक आलू लगावा की कोशिश करें। चाहूँ कि अधिक से अधिक किसान आलू लगा और पैदावार बढ़ावे। हाँ तो किसान दादा आपने जो आलू की फसल लगा रहा अनी की जो रोपाई कर रहा बोरिया अनी के बारे में आपने हमें जानकारी दी उन्हीं के लिए हम आप धन्यवाद देना चाहते हैं। राम 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 बहुत बहुत धन्यवाद राम राम।